चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रसादी लाल मीणा से, खास बातचीत खबर फास्ट की टीम ने की है और आरके शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने की है। और प्रसादी लाल मीणा ने बेरोजगारी, उद्योग और कोरोना महामारी जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, मैं आरके शर्मा। आज हम बात करेंगे उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी से, और उनसे जानेंगे कि राजस्थान में कोरोना संकट काल के दौरान जो राजस्थान के लोग थे, प्रभावित हुए थे, और उस दौरान जो औद्योगिक क्षेत्र में काफी हानि पहुंची थी। सबसे पहले हम जानेंगे उस कदम, मतलब सरकार ने ऐसे क्या कदम आगे बढ़ाए थे जो औद्योगिक क्षेत्र में और जो युवा है राजस्थान के, उनको कैसे मतलब प्रोत्साहन मिले थे। हमारी सरकार ने कोरोना काल में उद्योगपतियों को राहत देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाते हुए हमने उद्योगों को यथा चलाने के लिए कहा, यथा स्थिति रखने के लिए कहा। कोई भी औद्योगिक इकाई बंद नहीं होगी, बेदस्तूर वो चलती रहेगी, और किसी तरह की उनको कोई आने जाने की, खाने पीने की परेशानी ना हो, इसलिए हमारे यहाँ पर सारे उद्योग बेदस्तूर कोरोना काल में भी चलते रहे और उनकी सप्लाई का माल का भी आना जाना बेदस्तूर हमने अलाउ किया और बहुत सारी रियायतें उनको हमने दी। SGST में हमने उनको, बिजली में सारी छूटें दी, जिससे औद्योगिक हमारे यहाँ पर कोरोना से प्रभावित नहीं हुए। और युवाओं के लिए हमने बहुत बड़ा कदम, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में कहा कि मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना में हमने युवाओं को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया और उस पैकेज में ये था जो भी उद्यमी लगाएगा, MSME एक्ट हम नया लेकर आए, पूरे देश में पहला हमारा राज्य है जहाँ पर MSME एक्ट लेकर आए। उसमें 3 साल तक कोई भी उद्योग लगाए युवा, उसको 3 साल तक चलाएं, 3 साल के बाद जब उद्योग चल जाए उसके बाद 6 महीने में आप परमिशन लेके उसको रेगुलाइज कर लें। और युवाओं के लिए हमने मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना जो लागू की, बजट घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें 25 लाख तक का कोई भी उद्यमी युवा लोन लेगा उसको हम 5 साल तक ब्याज में 8% सब्सिडी देंगे। 5 साल तक 25 लाख से 5 करोड़ तक लोन लेगा हम उसको 6% ब्याज में सब्सिडी 5 साल तक देंगे। इस तरह हमने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना की, उससे हमारे प्रदेश में बहुत सारे युवाओं ने हजारों की संख्या में उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। परमिशन के लिए भी उनको कहीं जाना नहीं पड़े, ई पोर्टल पर हमने एक पोर्टल बनाया, उसी पर आप डाउनलोड करो, वहीं 1 मिनट में 2 मिनट में आपको परमिशन मिल जाती है। इसलिए ऐसा सरलीकरण जो हमने किया उद्योगों का लगाने के लिए, उसी का कारण है कि यहाँ पर उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या में उद्योग लगे। और हमने बहुत बड़ा काम ये किया कि हमने कोरोना काल में उद्योगों के ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रखी, हमने सबको खुली छूट दी, और उसी का कारण है कि हमारे उद्योग यहाँ पर बेहतर। मंत्री जी, मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, बीच में रोक रहा हूँ। जिस तरह हरियाणा में उद्योग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, राजस्थान में आप लोग उद्योग बढ़ाने के लिए बाहर से लोगों को आमंत्रित किए, या किस मतलब किस कदम आपने, मतलब कदम कैसे बढ़ाए, मतलब उद्योग यहाँ, मतलब राजस्थान में? हमारे हरियाणा से भी ज़्यादा सारे उद्योग यहाँ पर लगे हैं। हमारा जो नई पॉलिसी हम लेकर आए, हमने जो रिप्स पॉलिसी लेकर आए, हमने जो ज़मीनों पर कन्वर्जन पर 100% छूट दी, बिजली के टैक्स में छूट दी, हमने जो भी रिप्स योजना में हमारी 2019 थी उसके कारण यहाँ पर ज़मीनों को हमने पहले से सस्ता किया। और उसके लिए हमने कहा कि जो कोई ज़मीन लेगा जितनी उसकी कॉस्ट होगी उसका 75% हम उसको लोन दे देंगे, जिससे वो अपने उद्योग को चलाए, उसकी पूंजी को एक साथ फ्रीज नहीं करेंगे। उद्योग लोन देने का जो हमने कंसेप्ट जारी किया, आज हमारे प्रदेश में इतने औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और हमने रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हर तहसील स्तर पर हमने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी बजट 21-22 में हमारे यहाँ 68 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का उन्होंने अनाउंस किया है। हमारे 147 ऐसे तहसील मुख्यालय है जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं थे, 2 साल में सब जगह हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर देंगे। गाँव में भी जो औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे तो युवाओं को जब शहरों की ओर नहीं आना पड़ेगा, गांव में रोजगार मिल जाएगा, वहीं उद्योग लगाए, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, सस्ती जमीन मिलेगी, लोन का सरलीकरण कर दिया,
और हमने रिस्क पॉलिसी में उनको इतनी रियायतें दी है, मेरे ख्याल से इंडिया में किसी भी स्टेट ने हमारी जैसी रिस्क पॉलिसी को लेकर नहीं आए। और हमने उद्योगों को बड़ी राहत देते सरलीकरण किया है, हमने नई जो हमारी वन स्टॉप स्टॉप एकल खिड़की को हमने जो और सरलीकरण किया है, एक ही छत के नीचे 100 तरह की जो परमिशन के लिए उद्योगपति इधर उधर भगते रहते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे, एक ही छत के नीचे हमने कानून बनाकर एक ही छत के नीचे सारी परमिशन 14 विभाग के अधिकारी हमारे एक ही छत के नीचे बैठकर समयबद्ध टाइम बाउंड प्रोग्राम में उनको परमिशन देंगे, कहीं उनको आने जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सरलीकरण जो हमने किया उद्योग लगाने का, उनको चलाने का, लोन का, और हमने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए, जो हर तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए, आज उससे राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना है। और हमारे इतने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं जिसके कारण हमारी ज़मीनें भी कोरोना काल होने के बाद भी हमारी ज़मीनें रिको की इतने प्लॉट बिके हैं कि कभी बिना कोरोना काल में भी नहीं बिके थे। 1400 प्लॉट हमारे यहाँ 1400 करोड़ का निवेश हुआ है और इस साल तो और भी ज़्यादा अधिक होगा। इसलिए एक बड़ा वातावरण बना है हमारी सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री का जो कंसेप्ट था, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी, उद्योगों का विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, राजस्थान में निवेश बढ़े, इसके लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों का सरलीकरण करके गांव स्तर पर भी मुख्यालय स्तर पर भी हमने उनको विकेंद्रीकरण था उसका हमने केंद्रीकरण था उसका विकेंद्रीकरण किया। इसी के कारण हमारे राजस्थान में दूसरे स्टेट से भी कहीं भी हरियाणा में तहसील स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमने हरियाणा से भी आगे बढ़कर काम किया हमारी सरकार ने। और हम चाहते हैं कि प्रदेश में आज जो बेरोजगारी है, आज जिस तरह का बेरोजगारी का एक तरह से आलम हो गया गांव में, गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, हम चाहते हैं शहरों की ओर पलायन नहीं करके उनको गांव में रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे गांव में लगेंगे, औद्योगिक क्षेत्र गांव में होंगे तो एक बीच में बोलना चाहूँगा, आपने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र गाँव पर लगेंगे, सरकार को 2.5 साल पूरा हो चुके हैं, अब 3 साल रनिंग में है, जो वादे आपने मतलब जनता को किए थे वो वादे आपने पूरे कर चुके हैं या अभी भी कुछ अधूरे रह गए? औद्योगिक क्षेत्र में तो वायदे से भी ज्यादा काम कर चुके हैं हम, वायदे हमने जो किए थे उससे भी ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर दिए। अभी कुछ दिनों में, अगले ही महीने दिवाली के आसपास कभी भी मुख्यमंत्री जी 75 नए औद्योगिक क्षेत्रों का एक ही बटन दबाकर, बीच में पूछूंगा आपको, युवाओं को आपने कितना रोजगार औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कितनी क्या योजना आपने तैयार कर रखी? मुख्यमंत्री लघु रोजगार जो योजना है वो युवाओं के लिए ही है और उसमें निश्चित रूप से हमारे जितना बजट था 250 करोड़ का, हमको बजट बढ़ाने की और आवश्यकता पड़ गई, मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, इतनी सारे औद्योगिक लगे जो हमारे सब्सिडी का बजट 250 करोड़ था, मुख्यमंत्री ने पहले ही साल में अनाउंस किया था, शायद वो भी कम पड़ गया, इतना सारा सब्सिडी का हम दे रहे हैं तो ये समझो कि उनके लिए रोजगार की उद्योग लगे ही हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा कंसेप्ट। जब 1400 प्लॉट एक साथ में बिके, एक साल में बिके, 1400 करोड़ का निवेश एक साल में आए, इससे बड़ी क्या बात है? उसे पहले का हम उठा कर देखें, बीजेपी के टाइम 1400 प्लॉट क्या 140 प्लॉट भी एक साल में नहीं बिके थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। और ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर अभी ये DMIC का जो प्रोजेक्ट निकल रहा है वहाँ भी हमें भिवाड़ी में भी कर रहे हैं, हमारे वहाँ पाली मारवाड़ में भी कर रहे हैं। अपन आप कहना चाहते हो हरियाणा से बेहतर आज की डेवलपमेंट, अगर औद्योगिक अपन बात करें तो हरियाणा से भी हमारे यहाँ पर बेहतर संभावना हरियाणा से भी ज़्यादा है। हमारा जो ये DMIC निकल रहा है 40% हिस्सा राजस्थान में है, हर जगह हम जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पर उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। पाली मारवाड़ का काम चल रहा है, इन्होंने 5 साल जो वहाँ पर भिवाड़ी अलवर में किया था वो 500 बीघा जमीन एक्वायर की, 5 करोड़ रुपए भी इन्होंने मुआवजे का नहीं दिया, हमने उसको काम शुरू करने के लिए पूरा पैसा का इंतजाम कर दिया, वो काम हमने दूसरी एजेंसी रिको को दिया है, ना वहाँ संसाधन की कमी है ना पैसे की कमी है और उनका विकास बहुत तेज गति से। मंत्री जी देखिए पिछले 1.5 साल से पूरे राजस्थान प्रभावित कोरोना काल से हुए थे, तो आज की अगर 1.5 साल सरकार को 3 साल हो चुके हैं और 1.5 साल कोरोना काल में बिल्कुल मतलब काफी लोग प्रभावित थे और अब भी उभर नहीं आ पा रहे, मगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि औद्योगिक क्षेत्र में हम काफी आगे बढ़ चुके डेवलप, तो 1.5 साल तो मानो आप कोरोना काल में जा चुके थे, पूरी प्रभावित हो चुके, अब 1.5 साल जो आप बोल रहे हो। मैंने आपको कहा ना कोरोना काल में भी उद्योगों पे हमारे कोई असर नहीं पड़ा है, कोरोना काल में बल्कि ज्यादा हमारे जो बाहर प्रदेशों से लोग आए, निवेश जो बाहर के लोग आए ज्यादा, कोरोना काल में निवेश ज्यादा बढ़ाया गया, हमारे यहाँ पर निवेश ज्यादा हुआ है कि क्योंकि राजस्थान को सेफ मानते थे,
जो हमारे प्रवासी बाहर थे उन सब लोगों ने हमारे रिस्क पॉलिसी थी, हमारी मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना थी, हमारा नए एमएसएमई एक्ट था, हमारा जो वन स्टॉप स्टॉप एक्ट था, ये सब चीज़ें जो हमने नए प्रयोग किए उसके कारण लोग प्रभावित होके कोरोना में तो ज़्यादा आए हमारे निवेश। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है, कोरोना काल में इतना निवेश आया कि वैसे पहले कभी भी बीजेपी की 5 साल रही उनमें कुल मिला के 5 साल में भी इतना निवेश नहीं आया जितना हमारा कोरोना काल में आया। तीसरा सवाल, अफगानिस्तान में जो संकट काल जब अभी बीच में वहाँ उठक बैठक चली थी, वहाँ उलट फेर सरकार हो गई थी, तो वहाँ अपने राजस्थान के कई लोग वहाँ व्यापारी वहाँ थे, तो वहाँ स्टोन का बहुत बड़ा एक अच्छा व्यवसाय था और कपड़े का भी, तो वो जो वहाँ लोगों को झटका लगा वापस वो यहाँ आए, तो उनके लिए आपने क्या कदम उठाया? उनके लिए हमने बिल्कुल पूरी व्यवस्था कर दी, जहाँ भी वो अपना उद्योग लगाना चाहे, जहाँ भी अपना व्यापार करना चाहे, उनको भूमि उपलब्ध कराएंगे, संसाधन उपलब्ध कराएंगे और उनके लिए तो हम पूरी रियायतें देंगे कि वो यहाँ पर आकर अपना उद्योग लगाए। अफगानिस्तान हो, हमारे दुबई में भी, हमारे सब जगह, अभी हमारा बहुत बड़ा एक सेमिनार होगा जैसे बीजेपी के टाइम हुआ, उसको पूरे देश के हमने पूरे भारत के लोगों को भी, अमेरिका, ब्रिटेन, विश्व के लोगों को भी हमने उसमें शायद जनवरी या फरवरी में मुख्यमंत्री जी ने तारीख तय किया। बहुत बड़ा हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, हम उनकी तरह केवल MOU नहीं करेंगे जैसे पिछले हर बार ये आती है पिछले हमारा कंसेप्ट, वो तो वसुंधरा जी के टाइम मैं यही पूछूंगा, MOU फर्जी थे, उनमें 5% काम भी नहीं। बीच में आपने बात प्रैक्टिकल करेंगे, मंत्री जी आपने बात छेड़ी अभी MOU का, जो हर साल जो सरकार आती है चाहे पिछली सरकार है उससे भी जो MOU करते हैं उसके बाद तो निवेश की धरातल की बात करते हैं, वहाँ भी हम MOU नहीं करेंगे, हम तो प्रैक्टिकल करेंगे कि आपकी जमीन है, आपको निवेश करना है, हमारी तरफ से क्या सुविधाएं चाहिए वो बताइए और आप निवेश करिए, हम निवेश पर ही एग्री होंगे, बाकी MOU पर हमारा विश्वास नहीं है। MOU तो पहले 5% भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमने देखा है उसको, इसलिए हम तो MOU नहीं, प्रैक्टिकल में करेंगे कि आपकी जमीन है यहाँ पर लगाइए, चाहे जापान की आए, चाहे दुबई की आए, अमेरिका का है, ब्रिटेन में, राजस्थान, ऐसा वातावरण बनाए। आप देखिए इतना सक्सेसफुल हमारा सेमिनार होगा, हमारा इतना होगा कि कभी ऐसा हुआ नहीं, इतना हमारा निवेश यहाँ पर स्टेट में आए। मतलब कहने का ये है कि औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान और राज्य से भी काफी आगे बढ़ रहा है, आपका कहने का ये है? इसीलिए तो लोगों को काफी रियायतें देनी पड़ रही है, पंजाब को भी देनी पड़ रही है, हम MP को भी देनी पड़ रही है, पर हमारी रियायतों से ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। हमने जमीन का भी पहले जो रेट था उसको भी 20-25% जमीन को भी हमने सस्ता किया। खबर फास्ट के माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष के जो व्यवसाय लोग हैं, उद्योगिक क्षेत्र के जो लोग राजस्थान में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनसे मैसेज देना चाहेंगे, हर स्टेट से बेटर आपको सुविधाएं देंगे, चाहे जमीन हो, बिजली हो, पानी हो, आपकी जो सुरक्षा, तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल 100% सब स्टेट से अच्छा है। अरे ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इसलिए यहाँ पर निवेश के लोग लिए लोग आ रहे हैं, कोरोना काल के बाद भी लोग यहाँ निवेश किया, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी का कारण है कि यहाँ पर कोरोना काल में भी निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा मंत्री जी, अंतिम सवाल, 6 बार विधायक बन चुके आप और 3 बार 6 बार विधायक बन चुके और 3 बार मंत्री रह चुके आप, तो ये आपके जो 35-30 साल की जर्नी रही कांग्रेस में और जो आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल के आप एज ए वर्कर्स आप कार्य करते हो, लोगों से मिलते हो, उनकी समस्या दूर करते हो, लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें मतलब पूरी दिनचर्या, आज भी जैसे हम बैठे हैं आपके आपके होम टाउन में गांव बैठे हैं और नवरात्रा का वो चल रहा है अभी नवरात्रा, तो आप नवरात्रा में हर साल गाँव में 9 दिन बिताते हैं या आप अपने सरकारी निवास जयपुर में रहते हैं? मैं हर 7 दिन में 1 दिन गाँव में रहता हूँ, हर 7 दिन में 1 दिन, संडे मेरा फिक्स है ही आना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनका काम करना। जब से MLA बना तब से मेरे याद नहीं कभी मैं जयपुर में संडे को रहा, संडे फिक्स है, लोगों को पता है संडे को आएंगे कामकाज करने का, अपना ये तरीका MLA था, चाहे मंत्री हूँ या नहीं हूँ कुछ भी, तभी मैं यहाँ संडे को रहता ही रहता। ये थे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, जो 6 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार